नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन नई जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो घोषणा की गई है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा। साथ ही मैं अब आपको वो तीन पोस्ट बताने जा रही हूँ। तो जो हमारा पहला है वो है अपर डिविजन क्लर्क, जो तो दूसरा है वो है स्टेनोग्राफर, और जो तीसरा है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ। गाइज मैं बता दूँ, इन तीनों के अपने अपने अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और वो कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट टू आपकी डिग्री कोई और आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और साथ ही ऑफिस सूट्स और डेटाबेसेस की। जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर, और इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट की कोई भी पासिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से। साथ में मैं देख सकती हूँ यहाँ पे स्किल टेस्ट भी है और डिक्टेशन है, उसमें इंग्लिश में 10 मिनट्स में पर मिनट 80 वर्ड्स है, और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट्स की होगी, जिसमें कि इंग्लिश में 50 मिनट्स और हिंदी में 65 मिनट्स के हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर पे लिए जाएंगे। गाइस यहाँ पे हमारी जो तीसरी पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट की कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। गाइस यहाँ पे आप जब नीचे आओगे ना, तो आप अटैचमेंट्स में तीन सेक्शन देखते हो, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट, हिंदी एडवर्टीजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइस ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपकी सैलरी रेंज, आपकी जॉब रोल, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें इसमें होती है। अगर आप ऑलरेडी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हो या फिर आप सरकारी जॉब के लिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसे वैकेंसीज़ में या फिर ऐसे इवेंट्स में अगर इंटरेस्ट है, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आ सकते हो, और यहाँ से अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो आप डायरेक्टली हमारे अटैचमेंट सेक्शन में आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड करोगे फ्रेंड्स, तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है, आपको वेबसाइट भी दी गई है। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, और आपको www.esic.nic.in पे अपने ये एप्लीकेशन को डालना है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने पोस्ट है, UDC में टोटल 7 पोस्ट है, स्टेनो में 2 और MTS में 26, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में 26, स्टेनोग्राफर में 2 और UDC में 7। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपकी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आप यहाँ पे स्केल भी देख सकते हो, और साथ ही जो मैंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताए थे वो सेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। गाइज मैं बता दूँ, जो UDC और स्टेनोग्राफर की जो एज गैप है वो है 18 से 27 साल की, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है वो है 18 से 25 साल की। तो आपको अभी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सारे जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन की फॉर्मेट्स डाले गए हैं कि आपको जो फोटोग्राफ अपलोड करना है वो इस डायमेंशन की होनी चाहिए, और साथ ही जो आपको सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक से करनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे स्टेप्स भी डाले गए हैं कि एप्लीकेशन आपको कैसे रजिस्टर करनी है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, इसकी जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 15 जनवरी 2022 से लेके जो इसकी लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2022, यानी कि एक पूरा महीना आपको टाइम मिला है। आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी गाइज आप लास्ट डे के लिए वेट ना करें, क्योंकि वेबसाइट यूजुअली क्रैश हो जाती है, क्योंकि उस दिन हैवी लोड होती है। गाइज अगर आपको इस जॉब वैकेंसी से कुछ भी अगर आपको डाउट है या कुछ भी आपको क्वेरीज है, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर इस फोरम बटन को क्लिक कर सकते हो। जब आप इसको क्लिक करते हो, तो आपको एक ऐसी आपको यहाँ पे नीचे राइट अ रिप्लाई का सेक्शन मिलता है। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप वो लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। साथ ही आप हमसे यहाँ से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। गाइस इस प्लेटफॉर्म की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट अगर आपको वीडियो देखते वक्त कुछ अगर क्वेरी आए, आपको कुछ भी हमसे पूछना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे टैप करके हमारे कम्युनिटी फोरम को पहुँच सकते हो। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ
ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए आपको ये सब्सक्राइब बटन आप प्रेस कर सकते हो। साथ ही आपको अगर हमें हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को इस एंड तक देखने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।